subscribe to ADA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello everyone, good morning and welcome back to ADA247. My name is Sonu and this is our daily current affairs show. So as usual, आज के शो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको डेफिनेटली करने ही चाहिए. तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग, लाइफ ओनली टेस्ट दोज हु आर ग्रेट प्लेयर्स इन देयर लाइफ. लाइफ सिर्फ उन लोगों को टेस्ट करती है जो अपनी लाइफ में ग्रेट प्लेयर्स होते हैं. सो यू हैव टू बी ग्रेट प्लेयर. अपनी लाइफ में हर एक चैलेंज को आपको पॉजिटिवली लेना है, उस चैलेंज को आपको ओवरकम करना है. ओके, सो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. उससे पहले यहाँ पर जितने भी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, ठीक है. तो चलिए शुरू करेंगे हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन के ऊपर है. ओके, सो विच डे इज ऑब्जर्व एज द नो टोबैको डे ईच ईयर. हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे है, वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है. दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. एंड वन मोर थिंग, देखो कल हमारा एक सेशन हुआ था 4 PM सेशन, जिसमें हमने मोदी के मंत्रियों के बारे में बात किया था. तो आई होप आपने वो सेशन देखा होगा. अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसको डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में वहाँ बात हुई है. सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, जो सब लोग यहाँ पर बता रहे हैं, वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 31st में. ठीक है, तो 31st में से आपको वर्ल्ड नो टोबैको डे याद रख लेना है. अब इसको ऑर्गेनाइज कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया, सो यहाँ पर जो हमें पता होना चाहिए वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो WHO ने इस डे पर जो मेन फोकस किया वो किस पे किया था फोकस, टोबैको एंड लंग हेल्थ. सो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए, हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो टेड्रस एडनोम का नाम आपको यहाँ पर याद रख लेना है. हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा. ओके, सो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है. ये सारी चीज़ें आई होप याद रख लेंगे आप. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who has been sworn in as the president of Nigeria? Nigeria के जो नए president है वो बन गए हैं, उनको नियुक्त किया गया है, उनका क्या नाम है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. सो यहाँ पर जो आपको नाम याद रख लेना है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोहम्मदू बुहारी. ओके, सो ये आपको नाम याद रख लेना है. द क्वेश्चन फॉर यू इज, वट इज द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ नाइजीरिया. नाइजीरिया का जो कैपिटल है वो क्या है, अबूजा है, एंड द करेंसी इज नायरा. ओके, सो नाइजीरिया, अबूजा, नायरा जो है आपको यहाँ पर याद रख लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेपुआ न्यू गिनी. पेपुआ न्यू गिनी जो है वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं. आई नो काफ़ी अभी आप रिसेंट में देखोगे तो काफ़ी कंट्रीज जो हैं वहाँ के प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेंज हो चुके हैं. सो वी विल ट्राई कि आपके लिए एक सेशन लेकर आऊँ मैं, जिसमें वो सारे अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे. अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन आए तो आप यहाँ पर सेशन को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, यस मैम वी वॉन्ट अ सेशन लाइक दैट. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज जेम्स मरापे. ओके, सो जेम्स मरापे जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है पेपुआ न्यू गिनी का. एंड द क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हाट इज द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ पेपुआ न्यू गिनी. ओके, सो इसकी कैपिटल और करेंसी जो है आपको यहाँ पर कमेंट करके बतानी है. सो पेपुआ न्यू गिनी की जो कैपिटल है वो क्या है, इज ओके, सो पेपुआ न्यू गिनी की पोर्ट मोरसे जो है कैपिटल है, एंड द करेंसी इज द कीना. ये आपको याद रख लेना है, ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट में है कंट्री. ओके, सो आई होप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर याद रख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरमिन कैरेडी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फिल्म. वो कौन से फिल्म से रिलेटेड थे. सो यहाँ पर वो जो फिल्म से रिलेटेड थे वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्टर. ओके, सो यहाँ पर एक्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड ही वॉज रिलेटेड टू द गॉडफादर सीरीज से वो रिलेटेड हैं. ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ भी आप यहाँ पर याद रख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नेबर कंट्री ऑफ इंडिया दैट सेलिब्रेटेड इट्स 12th रिपब्लिक डे ऑन 29th मई 2019 ने कौन सी कंट्री ने अपना 12th रिपब्लिक डे जो है उसको सेलिब्रेट किया है, एंड दैट कंट्री इज अ नेबर ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेपाल. सो नेपाल ने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था 29th मई को. अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रेजिडेंट
एंड हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ये आप यहाँ पर बताएंगे. सो नेपाल के पीएम कौन है? केपी ओली हैं. ओके, सो केपी ओली जो है पीएम है नेपाल के. एंड बिद्या देवी भंडारी जो है वो क्या है? यहाँ की प्रेसिडेंट हैं. ओके, सो बिद्या देवी भंडारी जो है वो प्रेसिडेंट है. प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी ओली हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर अब तक आपके 5 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अकॉर्डिंग टू फिक्की रिपोर्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसने एस्टिमेशन लगाया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का फॉर द फिस्कल ईयर 2020, आने वाले जो साल है उसके लिए यहाँ पर एस्टिमेशन किया गया. आपको बताने कितना एस्टिमेशन किया है, तो यहाँ पर जो आप मार्कर कहेंगे वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 7.1%. ओके, सो यहाँ पर आंसर दिखा दीजिए. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. फिक्की से जो आपको याद रख लेने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है. सो आपको यहाँ पर बताने अगेन, फिक्की की चेयरमैन कौन है? फिक्की की सेक्रेटरी जनरल कौन है? ओके, और यहाँ पर आपको बताना है हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ फिक्की, फिक्की के प्रेजिडेंट कौन है. तो दे आर 3 पर्सनैलिटीज जो आपको यहाँ पर याद रख लेनी है. रशीद शाह जो है वो क्या है? चेयरमैन है फिक्की के. फिक्की के सेक्रेटरी जनरल कौन है? फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको दिलीप चनोए बताना है. एंड संदीप सोमनी जो है वो क्या है? यहाँ पर प्रेसिडेंट है. यहाँ पर कुछ और एस्टिमेशन आया था जीडीपी से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए. 2 एस्टिमेशन और आए थे, एक तो आया था यूनाइटेड नेशन का रिसेंटली और एक और आया था ओईसीडी का. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने कितना एस्टिमेशन किया था 2020 के लिए? 7.1%. ठीक है, और अगर आपसे इसका पूछा जाएगा, ओईसीडी का पूछा जाएगा, तो आप 7.5% बता देंगे. तो दोनों का आपको याद रख लिया, 7.1% इज फॉर यूनाइटेड नेशंस, ओईसीडी के लिए 7.5% एंड फॉर फिक्की इट इज अगेन 7.1%. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है. आरबीआई हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी ऑन कॉर्पोरेट लोन्स. कॉर्पोरेट लोन्स जो होते हैं उससे रिलेटेड आरबीआई ने कमेटी बना दी है. यू हैव टू टेल मी हु हेडेड दिस कमेटी, इस कमेटी के हेड किसको बनाया गया है. सो यहाँ पर जो कमेटी के हेड बनाए गए हैं वो कैनरा बैंक के चेयरमैन भी हैं और उनका क्या नाम है? वो है TN मनोहरन. दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं व्हाट इज MD एंड द हेडक्वार्टर ऑफ कैनरा बैंक. यहाँ पर जो फोकस होने वाला है वो क्या है? जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उन पर बात होने वाली है और डेब्ट मार्केट की बात होने वाली है. तो इस कमेटी का मेन फोकस इन सब चीज़ों के ऊपर रहेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु टुक चार्ज एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवी स्टाफ. नेवी स्टाफ के चीफ पहले कौन थे? सुनील लांबा जी थे. अब उनकी जगह नए चीफ एडमायरल बनाए गए हैं और उनका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज करमबीर सिंह. तो आपको यहाँ से करमबीर सिंह जो है उनका नाम याद रख लेना है, वो हमारे नेवी चीफ बन गए हैं. ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. और यहाँ पर आपको बताना है मुझे हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. आर्मी स्टाफ और एयर स्टाफ जो है उसके चीफ कौन है, ये यहाँ पर आप बता सकते हैं. हमारे सुप्रीम कमांडर जो होते हैं इंडियन नेवी के लिए वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेवी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ICC मैंस वर्ल्ड कप 2019 बिगिन इन. देखो यहाँ पर आई होप कि आप में से ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्रिकेट फैन होते ही हैं. ठीक है, तो आपको बता रहे हैं ICC मैंस वर्ल्ड कप जो है 2019 के लिए वो कहाँ पर शुरू हो गया है. तो ये 30th मई से शुरू हुआ था और ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इंग्लैंड में. इसका वेन्यू जो रहने वाला है वो रहेगा इंग्लैंड एंड वेल्स. तो ये सब यहाँ का वेन्यू होने वाला है. डू यू वॉन्ट कि इंडिया इस बार का वर्ल्ड कप जीते? अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में येस लिख सकते हैं. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. देवी अहिल्या बाई हल्कर एयरपोर्ट गेट्स इंटरनेशनल स्टेटस, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट. आपको बताना है ये जो एयरपोर्ट है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है जिसको इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया गया है. यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ मध्य प्रदेश. ओके, सो यहाँ पर आंसर दिखा दीजिए. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है एंड द चीफ मिनिस्टर इज कमलनाथ. ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया MD ऑफ ट्रू कॉलर. ट्रू कॉलर के इंडिया MD कौन बन गए हैं?
यहाँ पर आपको बताना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आपको बताना है स्टॉकहोम, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा एमडी ऑफ ट्रू कॉलर तो आप बता देंगे संदीप पाटिल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है हु इज द सीईओ एंड द फाउंडर ऑफ ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर के सीईओ एंड फाउंडर कौन है? तो एलन मामेदी जो हैं वो क्या हैं? फाउंडर एंड सीईओ हैं किसके? ट्रू कॉलर के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लोन्स द बुक डार्कनेस टू लाइट। देखो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टैटिक अवेयरनेस में। सारी जो बुक्स आपकी जनवरी 2019 से लेकर अप्रैल एंड मई तक वो मैं सारे कवर करवा चुकी हूँ आपने। अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है तो स्टैटिक अवेयरनेस का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो है लोमार ओडोम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर वो जो है वो क्या है? एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। दिस बुक डील्स विद द डार्क सीक्रेट्स ऑफ हिज लाइफ। ये उनकी लाइफ के बारे में कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं जो यहाँ पर रिवील किए गए हैं। तो डार्कनेस टू लाइट इज बाय द लोमार ओडोम, ठीक है। तो आई होप ये आप चीज़ याद रख लेंगे। आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट हुआ था, वो हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट का, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो यहाँ पर चीफ जस्टिस बन गए हैं उनका क्या नाम है? डीएन पटेल है। लेकिन आपको जो मुझे बताना है वो बताना है मेघालय हाई कोर्ट का। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने ही करूँगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्लास के ख़त्म हो जाने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो हटा दीजिए स्लाइड। यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ मेघालय। सो कोंगरेट संगमा जो है वो चीफ मिनिस्टर है मेघालय के, तथागत रॉय जो है वो गवर्नर हैं। जैसे मुझे ये सारी चीज़ें याद हैं, आपको भी ये सारे नाम टिप्स पर याद होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन में 30+ मार्क्स आए आउट ऑफ 40। एंड दैट इज़ एक्चुअली पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप अपने सारे सेक्शन पर अच्छे से फोकस करें तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें इस सेशन में समझ में आई हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट्स अगर कोई भी आपका डाउट है कमेंट करके बता सकते हैं, एंड डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। सब्सक्राइब टू अड्डा 247 यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स ऑन लेटेस्ट वीडियोज़।